मैं मोहम्मद अफशल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं उधम सिंह नगर की ओर। इस वक्त उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा धनोर कैलाश नदी से उत्खनन के चुगान का शुभारंभ 10 साल तक के लिए खोल दिया गया है। इसका शुभारंभ डॉक्टर हरक सिंह रावत वन एवं पर्यावरण श्रम आयुष मंत्री उत्तराखंड सरकार ने फीता काट कर किया। इस दौरान उनके साथ सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। खनन खुलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खनन खुलने से डंपर मालिकों के साथ साथ ट्रैक्टरों हजारों स्थानीय मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। खनन के लिए उपखनिज के लिए खुली है और हम इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रदेश सरकार को 10 सालों में लगभग 100 करोड़ के आसपास प्रतिवर्ष रेवेन्यू मिलेगा। यहाँ जो बाढ़ आती है बाढ़ भी बचेगी। तो इस तरह बहुत सारे फायदे इस सड़क के बनने से, इस नदी के खुलने से होंगे। लोगों को घर बनाने का सपना भी जल्दी पूरा होगा। लोग सड़कों बनेंगी, विकास के काम होंगे। तो ये तरह से मैं सोचता हूँ कि इस नदी का खुलना खनन के दृष्टिकोण से लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वो लोग यूपी दूसरे प्रदेशों में भी ले जा सकते हैं और कोई अधिकारी अगर रोक रहा है तो बिल्कुल गलत है। आज मेरी संज्ञान में आए, हम संबंधित अधिकारियों से कहेंगे कि खनन विभाग से कहेंगे कि वो ये शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजें कि वो अब उत्तर प्रदेश भी एक निश्चित जो हमने तय किया है कि रॉयल्टी देकर उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में भी उत्तराखंड का जा सकता है, जिससे कि हमारे प्रदेश की आमदनी हो। नदी बन रही है नंदौर की, जैसे हमने बताया है, और ये पूर्व सरकार की इच्छा शक्ति ना होने की वजह से बंद थी। कोई ऐसा बहुत बड़ा अड़चन नहीं थी जिससे ये नदी ना खुलती। हज़ारों परिवार इस नदी से प्रभावित होते हैं उधम सिंह नगर नैनीताल जिले के। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी का और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का, जिन्होंने जब उनके सामने समस्या रखी गई तो उन्होंने जल्द से जल्द इस नदी का निस्तारण करवाया और उसको आज भिजवा दिया है, जिससे व्यापारी वर्ग हो, हमारे ट्रांसपोर्ट वर्ग हो और हमारे मजदूर वर्ग हो, सबको इससे फायदा मिलेगा। और 10 बेस्ट इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि सिर्फ 1.5 महीने के लिए नदी अब 10 साल के लिए खुल गई है, तो कोई इसमें बहुत लंबी समस्या अब नहीं आएगी। ये नदी चलती रहेगी, लोगों को अपना व्यवसाय चलता रहेगा, रोजगार चलता रहेगा, स्टेट को हमारे रेवेन्यू मिलेगा। जैसे मंत्री जी ने बताया कि 10 साल में लगभग 800 करोड़ रुपये हमारे स्टेट को मिलेगा, जिससे कि दूसरे विकास। वही विधायक सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पिछले 2 साल से सरकार की कमी से नंदौर नदी में खनन का कार्य बंद था, जिससे खनन के रॉ मटेरियल को लेकर लोग परेशान थे, लोगों के घर नहीं बन पा रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वन मंत्री हरक सिंह रावत का धन्यवाद करूंगा, जिसके सहयोग से नदी खनन के लिए 10 साल तक के लिए खुल पाई है। इससे हजारों खनन व्यवसायियों को रोजगार मिलेगा और आगे 10 साल तक खनन का कार्य होने से हजारों मजदूरों को भी काम मिलेगा।